फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक नई रेसिपी के साथ में ये ब्लॉग। मैं बनाने जा रही हूँ राजमा के पकोड़े। खा के बताइएगा कैसे लगे आपको। आप भी इस रेसिपी को जरूर जरूर ट्राई कर सकते हैं। मैंने लास्ट नाइट में राजमा को भिगो दिए थे और अब मैं उनको पानी से छान कर अच्छी तरीके से मिक्सी में पीस लूंगी। और एक तरफ प्याज, टमाटर और मिर्ची का मैं ना उसको कटिंग करके छोटा छोटा रख दूंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे तरीके से मैं बनाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, अभी देखते हैं। चलिए, ये देखिए, ये राजमा है जो कि मैंने पानी से निकाल चुकी हूँ। ये मैंने प्याज और ये हरी मिर्ची कटिंग करी है, टमाटर भी कटिंग करके अभी थोड़ी देर में डालूंगी इसमें। और इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मैंने इसको पीस दिया है अच्छी तरीके से। एकदम है ना, अच्छे से पीसना है मिक्सी में। अब हम बनाने जाते हैं आगे का। अब मैंने पीस लिया है अच्छी तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से पेस्ट बना देना है इसका। अब मैंने इसमें हल्दी डाला है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, ठीक है? स्वाद अनुसार ले लेना। थोड़ी सी मैं मिर्ची ऐड कर रही हूँ, मुझे थोड़ी सी चटपटी चाहिए इसीलिए। अब इसे अच्छी तरीके से मुझे मिक्स करना है, अभी मैं करके बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी मिक्स कर रही हूँ, इससे थोड़े से क्रंची कुरकुरी होगी, प्लस में थोड़े फूलेंगे भी, अच्छा रहेगा। ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अभी हम कढ़ाई लेंगे, गैस में बैठाएंगे, उसमें तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो रहा है, उसके बाद हम पकौड़ों को तेल में डालेंगे। फ्रेंड्स, तेल गरम हो चुका है। अभी आप धीरे धीरे करके ये छोड़ सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से, ये देखिए, देख रहे हैं आप, इस तरीके से ड्रॉप कीजिए यहाँ पे तेल में, इस तरीके से साइड में। ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बच्चे कुछ चटपटा खाना चाहते हैं और वैसे भी ठंडी के मौसम हो या थोड़ा सा बरसात हो और कुछ चटपटा खाना चाहते हैं, तो ये ज़रूर आप बच्चों को बना के खिला सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये बहुत अच्छा होता है, हेल्दी बहुत है। ये घर में बनी हुई चीज़ है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये इस तरीके से गर्मा गर्म टेस्टी से बन के आते हैं। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।